इंडिया में 300 टू 400 सीसी कैटेगरी में बहुत सारी बाइक है। पहले इस कैटेगरी में बहुत ही लिमिटेड बाइक्स थी, तो जैसा कि अभी इस कैटेगरी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा 300 टू 400 सीसी कैटेगरी की टॉप 5 बाइक्स। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, तो बिना देरी किए लेट स्टार्ट द वीडियो। तो हमारी लिस्ट की 5th पोजीशन पे यामाहा की R3। इस बाइक में आपको मिलता है 321cc पैरेलल ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन, एंड ये बाइक प्रोड्यूस करती है 41.4 bhp की पावर एंड 29.5 nm ऑफ टॉर्क। 300cc कैटेगरी में इस बाइक में आपको बहुत अच्छा पावर एंड टॉर्क मिलता है। बट ये बाइक इंडिया में आती है CBU रूट से, कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट, जिसके कारण इस बाइक पर हेवी टैक्सेस लगते हैं, जो कि इस बाइक के प्राइस को अफेक्ट करता है। यामाहा R3 की प्राइस है 4,65,000 रुपीस एट शोरूम। इस बाइक की प्राइस इतनी ज्यादा होने के बावजूद इस बाइक में आपको बहुत ही कम फीचर्स मिलते हैं, एंड इस बाइक में आपको कलर TFT मीटर कंसोल एंड क्विक शिफ्टर भी नहीं मिलता। हमारी लिस्ट की 4th बाइक है रॉयल इनफील्ड की तरफ से एक एडवेंचर बाइक, रॉयल इनफील्ड हिमालयन, जिसमें कि आपको मिलता है 452cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन, एंड ये बाइक प्रोड्यूस करती है 40 PS की पावर एंड 40 nm ऑफ टॉर्क। रॉयल इनफील्ड हिमालयन में आपको एक फुल्ली डिजिटल TFT कलर्ड मीटर कंसोल मिलता है, जिसमें कि आपको मोबाइल कनेक्टिविटी एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। इस बाइक के फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स एंड इस बाइक के रियर में एक एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। इस बाइक में आपको सभी लाइट्स LED मिलते हैं, फ्रंट में LED हेडलाइट, रियर में LED टेल लाइट एंड LED इंडिकेटर्स। तो जैसा कि एक एडवेंचर बाइक है, तो इस बाइक में आपको स्पोक व्हील्स मिलते हैं, बट स्पोक व्हील्स के कारण इस बाइक में आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते। बाकी ये ओवरऑल बाइक बहुत ही अच्छी है। इस बाइक के लुक्स, फीचर्स, परफॉर्मेंस, ये सब कुछ रॉयल इनफील्ड ने इस बाइक में बहुत अच्छा दिया है, एंड रॉयल इनफील्ड हिमालयन की प्राइस है 2,85,000 रुपीज एट शोरूम। हमारी लिस्ट की 3rd बाइक है KTM की तरफ से KTM ड्यूक 390। इस बाइक में आपको मिलता है 398.63cc सिंगल सिलेंडर इंजन, एंड ये बाइक प्रोड्यूस करती है 46 PS की पावर एंड 39 Nm ऑफ टॉर्क। इस बाइक में आपको एक फुल्ली डिजिटल TFT कलर्ड मीटर कंसोल मिलता है। इस बाइक के फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स एंड इस बाइक के रियर में एक एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। इस बाइक के फ्रंट में आपको LED DRL हेडलाइट, इस बाइक के रियर में LED टेल लाइट एंड LED इंडिकेटर्स मिलते हैं। KTM ड्यूक 390 में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ड्यूल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS एंड क्विक शिफ्टर, एंड इस बाइक की प्राइस है 3,77,000 रुपीज एट शोरूम। तो हमारी लिस्ट की 2nd बाइक है बजाज की तरफ से बजाज पल्सर NS400Z, जो कि बजाज ने अभी कुछ ही दिनों पहले लॉन्च किया। इस बाइक के लॉन्च होने के बाद इस बाइक के लुक्स को लेकर बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड थे, बट बजाज अपनी इस बाइक में आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। इस बाइक में आपको मिलता है 373cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन विद 6-speed गियरबॉक्स, एंड ये बाइक प्रोड्यूस करती है 40 PS की पावर एंड 35 Nm ऑफ टॉर्क। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बाइक में आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, एंड इस बाइक की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1,85,000 रुपीज एट शोरूम। इस प्राइस में ये बाइक बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, एंड ये बाइक 400cc की होने के बावजूद इस बाइक की प्राइस R15 V4 से भी कम है। इस बाइक के फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स एंड इस बाइक के रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। इस बाइक में आपको एक डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है विद मोबाइल कनेक्टिविटी एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन। इस बाइक में आपको 4 डिफरेंट राइडिंग मोड्स मिलते हैं, रोड, रेन, स्पोर्ट्स एंड ऑफ रोड। इस बाइक के फ्रंट एंड रियर में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं विद ड्यूल चैनल ABS। अगर आपको 2 लाख के प्राइस में एक नेकेड बाइक चाहिए, तो ये बाइक आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी लिस्ट की 1st बाइक के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा, हाँ मैं बात कर रहा हूँ एप्रिलिया की RS457 के बारे में। इस बाइक में आपको मिलता है एक 457cc पैरेलल ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन। ये बाइक प्रोड्यूस करती है 46.9 bhp की पावर एंड 43.5 nm ऑफ टॉर्क। इस बाइक में आपको एक फुल्ली डिजिटल TFT कलर्ड मीटर कंसोल मिलता है विद मोबाइल कनेक्टिविटी एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन। इस बाइक में आपको कॉल एंड SMS अलर्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। इस बाइक में आपको 3 डिफरेंट राइडिंग मोड्स मिलते हैं, स्पोर्ट्स, रेन एंड रोड। इस बाइक के फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स एंड रियर में एक एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। इस बाइक के फ्रंट एंड रियर में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं विद ड्यूल चैनल ABS।
इस बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल एंड एडिशनल क्विक शिफ्टर भी मिलता है, जिसकी प्राइस है 27,800 रुपीस। इस बाइक की और भी बहुत सारी एसेसरीज आती है, अगर आपको इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करो। इस बाइक की प्राइस है 4,10,000 रुपीस एट शोरूम। तो ये थी हमारी 300-400cc की टॉप 5 बाइक्स। इनमें से आपको कौन सी बाइक अच्छी लगी है कमेंट करो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके और भी लोगों के साथ शेयर कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दो। तब तक के लिए आप सभी को बाय। I'm trying to tell you what to do. We're trying to play cool. Baby, I ain't playing by your rules.